एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवनी को डिस्कस करेंगे, उनके जीवनी को जान करके आपको ये समझ में आएगी कि भारत को आजाद केवल महात्मा गांधी जैसे नरम दल के नेताओं ने नहीं, बल्कि करतार सिंह, साराभा और भगत सिंह जैसे गरम दल के नेताओं ने मिलकर भारत को स्वतंत्र कराया था। नमस्कार दोस्तों, आज है 24 मई और आज हम लोग डिस्कस करेंगे करतार सिंह साराभा की जीवनी को। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क करती है आपके लिए, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करते रहने के लिए। करतार सिंह सराभा का जन्म 24 मई 1896 को पंजाब के लुधियाना जिले के सराभा नामक ग्राम में माता साहिब कौर के गर्भ से हुआ था। उनके पिता का नाम मंगल सिंह था। उनके दो भाई थे, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश में इंस्पेक्टर के पद पर प्रतिस्थापित थे और दूसरा भाई उड़ीसा में वन विभाग के अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। सराभा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लुधियाना में की थी और 9वीं कक्षा पास करने के पश्चात वे अपने चाचा के साथ उड़ीसा चले गए थे और वहीं से उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। 1905 में बंगाल के विभाजन विरुद्ध में क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हो गया था, जिसमें से प्रभावित होकर के करतार सिंह सराभा क्रांतिकारियों में सम्मिलित हो गए और करतार सिंह सराभा साहस के प्रतिमान भी थे। देश की आजादी से संबंधित किसी भी कार्य में वे हमेशा आगे रहते थे। 25 मई 1913 में प्रेगन प्रांत में भारतीयों की एक बहुत बड़ी सभा हुई थी, जिसके मुख्य अतिथि लाला हरदयाल थे। उन्होंने सभा में भाषण देते हुए कहा था कि मुझे ऐसे युवकों की आवश्यकता है जो भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण दे दे। इस पर सर्वप्रथम करतार सिंह सराभा ने अपना हाथ उठाया था और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच लाला हरदयाल ने सराभा को अपने गले से लगा लिया था। करतार सिंह सराभा पर हत्या, डाका, शासन को उलटने का आरोप लगाकर के लाहौर षड्यंत्र के नाम से मुकदमा चलाया गया, क्योंकि अंग्रेजों को यह पता था कि इस तरीके के जो सभाएं हैं उसमें इनका अहम रोल होना शुरू हो गया है। इसके साथ 63 दूसरे आदमियों पर भी मुकदमा चलाने का काम अंग्रेजों ने किया था और सराभा ने अदालत में अपने अपराध को स्वीकार करते हुए शब्द कहा था कि मैं भारत में क्रांति लाने का समर्थक हूँ और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अमेरिका से यहाँ आया हूँ। यदि मुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार मेरा जन्म फिर से भारत में होगा और मैं मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए काम करता रहूंगा। जैसे थे हमारे करतार सिंह सराभा। जज ने 63 व्यक्तियों में से 24 को फांसी की सजा सुना दी गई और उस 24 लोगों में से एक हमारे करतार सिंह सराभा भी थे। उन्होंने 16 नवंबर 1915 को हंसते हंसते फांसी पर झूलने का काम किया था और ऐसे लोगों की कुर्बानी से ही भारत को आजादी मिली थी, न कि केवल नरम दल के नेताओं के कारण मिली थी। अगर इनके प्राण की आहुति नहीं होती, लोगों में वो ज्वाला नहीं भड़कती, युवाओं में वो क्रांति लाने का अवसर नहीं मिलता जैसा कि इन्होंने अपने प्राण की आहुति देकर के दी थी। तो ऐसे लोगों को बहुत समर्थन करना चाहिए, चाहे वो नाथूराम गोडसे हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, बिपिन चंद्र पाल हो, इस तरीके के लोगों को जरूर समर्थन देना चाहिए और ऐसे ही सच्चे क्रांतिकारियों के कारण भारत को आजादी मिली थी। ऐसे लोगों को सत सत नमन और आज हम करतार सिंह सराभा की जीवनी पे उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। ये था करतार सिंह सराभा की जीवनी। अगर आपको ऐसा लगा कि ये चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क कर रही है और ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव थी, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करते रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी महान व्यक्ति के जीवनी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।